यूपी के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान की आज से शुरुआत। भोपाल में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन। दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ बारिश, मौसम ने ली करवट। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 36 लोगों की हुई मौत, संयुक्त और उप आबकारी आयुक्त निलंबित। बिहार सरकार की नई पहल, अब सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा 5,000 रुपये। यूपी के 14 जिलों में जारी रहेगा कर्फ्यू, 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों को नहीं मिलेगी छूट। एक बार फिर भूकंप के झटके से दहली दिल्ली, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.4 मापी गई। वाराणसी में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस ने की छापेमारी, 3 युवक व 3 युवतियां बरामद। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में गिरा जर्जर भवन, हादसे में 6 घायल, 2 की हुई मौत। ममता बनर्जी का बड़ा दाव, अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया अपना मुख्य सलाहकार।